પેસોજેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, સાંભળીએ. ભારત કે યુવા ઇનોવેશન કે સ્ટાર્ટઅપ દુનિયા મે અપના નામ બના રહે હૈ. સરકાર કી એક એફિશિયન્ટ ઓર ફ્રેન્ડલી ઇકોસિસ્ટમ બનાને કે લિયે નિરંતર કોશિશ જારી હૈ. અબ એસોચેમ જૈસે એસોસિએશન કો આપકે હર મેમ્બર કો ભી ये सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ लास्ट माइल तक पहुंचे. इसके लिए इंडस्ट्री के भीतर भी आपको रिफॉर्म्स को एनकरेज करना होगा. जो बदलाव हम अपने लिए देखना चाहते हैं, वही बदलाव हमें अपने संस्थानों में भी करने होंगे. जितनी लिबर्टी, जितना इंक्लूजन, जितनी हैंड होल्डिंग, जितनी ट्रांसपेरेंसी आप सरकार से, सोसाइटी से चाहते हैं, उतना ही इंडस्ट्री के भीतर विमेन के लिए, युवा टैलेंट के लिए, छोटे उद्योगों के लिए हम सबको सुनिश्चित करना ही है. हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर प्रॉफिट शेयरिंग तक दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जल्द से जल्द अपनाना होगा. प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच के साथ ही हमें उसे पर्पज ओरिएंटेड भी बनाएंगे तो सोसाइटी के साथ ज्यादा इंटीग्रेशन संभव हो पाएगा. साथियों, आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है कि ऑनेस्ट ओपिनियन का बेहतर डिसीजन मेकिंग में कितना बड़ा रोल होता है. कई बार हमें लोग मिलते हैं, कहते हैं कि ये शहर बढ़िया है, ये सेक्टर बढ़िया है, इसमें इन्वेस्ट कर दो. लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि वो सलाह देने वाला, तारीफ करने वाला खुद भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. यही बात इकोनॉमीज पर भी लागू होती है. आज इंडियन इकोनॉमी पर दुनिया को भरोसा है, इसके प्रमाण है. पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है, तब भारत में रिकॉर्ड एफडीआई और पीएफआई आया है. दुनिया का ये कॉन्फिडेंस नए स्तर पर पहुंचे, इसके लिए डोमेस्टिकली भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है. आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं. साथियों, निवेश का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा आवश्यक है. ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D. R&D पर होने वाला निवेश. भारत में R&D पर निवेश बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है. अमेरिका जैसे देश में जहां R&D पर 70% निवेश प्राइवेट सेक्टर का होता है, हमारे यहां इतना ही पब्लिक सेक्टर द्वारा किया जाता है. इसमें भी एक बड़ा हिस्सा IT, फार्मा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है. यानी आज जरूरत यह है कि R&D में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े.